समाचार पत्र सदियों से लोगों को देश विदेश की खबरों से अवगत कराता आया है। आज हर व्यक्ति को मीडिया के जरिए अपने देश विदेश और अपने समाज में हो रहे घटना दुर्घटना की जानकारी समाचार पत्र से मिलता है। ऐसे में श्री साईं कृपा मंदिर ने नालासोपारा पश्चिम नीले मोरे गाँव के किशोर नगर के स्थानीय रहवासियों को समाज में हो रहे उचित अनुचित कार्यों से अवगत कराने के लिए मुफ्त वाचनालय बनवाया है। वाचनालय का उद्घाटन नगर सेवक हार्दिक राउत के हाथों से संपन्न हुआ। वाचनालय ये जरूर होना चाहिए, हर जगह में वाचनालय होना चाहिए। आज वाचकों की संख्या कम हो रही है और यहाँ पे इन्होंने अच्छा एक ये वाचनालय का निर्माण किया, जिससे न्यूज़पेपर का वाचन यहाँ के लोगों को वाचकों को अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर मिलेंगे। यहाँ पे अच्छे कार्यक्रम है साईं बाबा मंदिर में होते और ये पूरी टीम अच्छे काम करती है। इनके साथ मैं हर एक अच्छे काम में इनके साथ हूँ और इसके लिए मैं ये जो इन्होंने उद्घाटन आज रखा था उद्घाटन में आया हूँ। और इस वाचकों की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने जो एक कदम आगे बढ़ाया है उसमें वाचकों ने दूसरा कदम आगे बढ़ा के इनको और प्रोत्साहित करना चाहिए। कितना बोल के मेरे दो शब्द खत्म करते हैं। इस मौके पर सुप्रीम टीम समाचार पत्र के संपादक नितेश तिवारी, लोक पथिक के सह संपादक मनीष राय, पत्रकार विवेक सिंह, पत्रकार राजा गुप्ता, पत्रकार रहीस खान, पत्रकार विनय पांडे, पत्रकार रूपक राय इत्यादि पत्रकार मौजूद थे। वाचनालय के आयोजक श्री साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी विजय प्रकाश सिलवरकर, सुरेश दिके, सूर्यकांत चौहान, अशोक भाटकर, राजदेव, चंद्रकांत दलवी, सदाशिव गावड़े, महेश चौधरी, महेश रजाक, प्रवीण गुरुनाथ कुदौ थे। इसके लिए उसका अथक प्रयास भी भरपूर होता है। हालांकि मैं आपको श्री साईं बाबा मुफ्त वाचनालय जो है इसने बहुत ही बड़े मार्गदर्शन दिया है किशोर नगर के रहवासियों को, जिसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साईं बाबा मंदिर की तरफ से हमारे बहुत से कार्यक्रम नियोजित किए जाते हैं, उसमें से एक नया प्रयास है हमारा, क्योंकि आजकल जो मोबाइल का टीवी का ज़माना है उसमें लोग टीवी मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो पेपर या बुक्स रीडिंग में लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ के बच्चों ये वाचन में थोड़ी प्रगति करें और उनका मन और बढ़ाए जाए कि वाचन में अपना प्रगति होना चाहिए। न्यूज़ के जरिए अपने को दुनिया की खबरदारी मिलती है, जो दुनिया की मालूमात मिलती है, तो न्यूज़पेपर ही एक ऐसा जरिया है कि लोगों तक दुनिया की खबरें जानी चाहिए। तो ये हमारा प्रयास था कि साईं बाबा मंदिर की तरफ से एक ऐसा प्रयास किया जाए कि लोगों को इकट्ठा करने का और एक अच्छा तरीका है, और ये तरीका न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से हम लोगों ने शुरू किया है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत से लोगों से विनती की और ये प्रायोजक हम लोगों को मिल गए। ये प्रायोजक भी एक ही झटके में तैयार हो गए, इसके लिए सब प्रायोजकों का धन्यवाद मानते हैं। और ये जो वाचनालय चालू किया है इसके लिए सबको हार्दिक शुभेच्छा भी देते हैं।